आप लोगों को पुनः आज से हम फिर क्लास में आप लोग उपस्थित हुए हैं। BLLB फर्स्ट सेमेस्टर का जो आपका पेपर है समाज शास्त्र सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी पर जितना सिलेबस में आपके था, जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, उन सारे सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर और इस विषय के जो 5 यूनिट हैं, सभी यूनिटों से जितने प्रश्न बन रहे थे और जितने महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण विषय थे सामाजिक अध्ययन पहलू का, उन सारी चीजों की परिचर्चा हमने आपको पिछले कक्षाओं में कर दिया है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पिछले कक्षाओं जो 15 नवंबर की पहले दिन कक्षाएं चली थी, 15 नवंबर के बाद इधर परीक्षाएं थी अन्य सेमेस्टरों की, तो आपकी नहीं चली, लेकिन अब आज से पुनः जो विषय या जो प्रश्न छूटे हैं, जिनकी चर्चा हम आपको ऑनलाइन क्लास के माध्यम से नहीं किए हैं, उन सभी प्रश्नों का, उन सभी अध्यायों का परिचर्चा हम आपको इसी ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से हम करने का प्रयास कर रहे हैं। इसी के परिप्रेक्ष्य में हम आपको पुनः अपने पूर्व कक्षाओं का स्मृति ताजा करते हुए हम अब बताने का प्रयास करेंगे कि आपने समाज शास्त्र में सोशियोलॉजी में एक बार पुनः ध्यान दीजिए कि आपने क्या क्या पढ़ा है। जैसे सोशियोलॉजी में पहला आपने पढ़ा है समाज शास्त्र क्या है, समाज शास्त्र का परिचय, समाज शास्त्र का अन्य सामाजिक विषयों से संबंध, समाज शास्त्र का महत्व और समाज शास्त्र का क्षेत्र, इन इस चैप्टर से, इस भाग से आपको 30 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है कि समाजशास्त्र किसे कहते हैं, समाजशास्त्र का अर्थ, समाजशास्त्र का परिचय। जैसा कि आप अच्छी तरह जानते हैं, समाजशास्त्र का जनक अगस्त कांटे साहब को कहा जाता है। ये 1833 में अगस्त कांटे साहब ने समाजशास्त्र शब्द का उदय बताया है। समाजशास्त्र शब्द, समाजशास्त्र शब्द जो है समाजशास्त्र अन्य विषय से संबंधित था, लेकिन अगस्त कांटे एक बहुत ही जो है कि बुद्धि की प्रकाष्ठा सामाजिक परिप्रेक्ष्य में देते हुए उन्होंने समाजशास्त्र शब्द, समाजशास्त्र विषय का जन्मदाता उनको कहा जाता है। तो अब इस तरह से समाजशास्त्र का परिचय से आप देखते हैं कि समाजशास्त्र क्या है। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का जाल है। समाजशास्त्र उन समूहों का अध्ययन करता है जो सामाजिक व्यवस्था के अधीन होता है। समाजशास्त्र सामाजिक घटना का एक अध्ययन करता है, सोशल फेनोमेनम जो सामाजिक घटनाएं होती हैं उन सभी घटनाओं का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र के अंतर्गत हम देखते हैं समाज क्या है, समुदाय क्या है, परिवार क्या है, संयुक्त परिवार क्या है, व्यक्तिगत परिवार क्या है, इसके साथ साथ हम देखते हैं कि सामुदायिक जीवन क्या है, लिविंग सोशल स्टैंडर्ड क्या है, समाज का लिविंग जीने का जो स्तर है वो क्या है। इन सारी चीज़ों की परिचर्चा हम समाजशास्त्र के विषय में करते हैं। परीक्षा के परिप्रेक्ष्य से आपको हम बताए थे पिछले कक्षा में कि समाजशास्त्र की प्रकृति जो है, समाजशास्त्र का अर्थ क्या है, समाजशास्त्र के क्षेत्र क्या है, इसका क्वेश्चन आपको हम लिखवा भी दिए हैं।
और आपको परीक्षा उपयोगी क्वेश्चन आपको आपके व्हाट्सएप पे ऑनलाइन के माध्यम से आपको दिया भी जाएगा, थोड़ा सा उस पर भी ध्यान दीजिए। अब समाजशास्त्र का सामाजिक विषयों से संबंध में, समाजशास्त्र का मनोविज्ञान से संबंध, समाजशास्त्र जो है कि सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करता है, मनोविज्ञान व्यक्ति के अंतःक्रियाओं का व्यवहारों का अध्ययन करता है। जैसे समाजशास्त्र में हम देखते हैं कि सामाजिक जो भी घटनाएं घटती हैं उस घटना का व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका अध्ययन हम करते हैं। लेकिन मनोविज्ञान उस घटना के फलस्वरूप उस व्यक्ति की मनोस्थिति क्या है, सामाजिक दशाएँ क्या हैं, संवेग क्या है, प्रेरणा क्या है, मोटिव क्या मिल रहा है उससे उसका जो है कि इमोशनल लगाव क्या है, सारे चीज़ों का अध्ययन में मनोविज्ञान करता है। अब यहाँ आपने देखा है समाजशास्त्र का राजनीति शास्त्र से संबंध, समाज राजनीति जो है सदैव समाज में होती है और समाज का संबंध जो है राजनीतिक व्यवस्थाओं से, राजनीतिक पहलुओं से मुख्य रूप से जोड़ा जाता है। तो समाजशास्त्र राजनीति शास्त्र से संबंध, समाजशास्त्र में सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन होता है, राजनीति शास्त्र में राज्य की सामाजिक राज्य की व्यवस्था तथा नागरिकों के हितों अधिकारों के संरक्षण का अध्ययन किया जाता है। इस तरह से समाजशास्त्र का राजनीति शास्त्र का संबंध बहुत मधुर रहा है। समाजशास्त्र का अब इतिहास से संबंध, प्राचीन अतीत का अध्ययन करता है, इतिहास हमें अतीत का अध्ययन कराता है कि अतीत काल में सामाजिक व्यवस्था क्या थी, समाज में जीने का स्टैंडर्ड क्या था, समाज में लोग कैसे रहते थे, सामाजिक हैसियतों की क्या थी, इन सभी चीज़ों का अध्ययन हमें इतिहास में मिलता है। और उसके साथ साथ हम देखते हैं कि इतिहास तो अतीत की घटनाओं का अध्ययन करता है और समाजशास्त्र समाज की वर्तमान घटनाओं का क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करता है। समाज में जो घटनाएं घटती हैं, जैसे सामाजिक घटनाओं में अपराध भी है, व्यवस्था है, विवाह है, धर्म है और समाज का जो स्तर है, सोशल चेंज है। अब देखते हैं आपकी इस परिवर्तन क्या है, सामाजिक परिवर्तन, यह परिवर्तन एक जो है कि प्रकार से आप कह सकते हैं कि एक सामाजिक पहलू का एक उपकरण के रूप में है, तो उसमें समाज में परिवर्तन होते रहते हैं, सामाजिक व्यवस्था का संचार होता रहता है, समाज में तमाम तरीके के मतलब परिस्थितियों के अनुसार समाज का परिवर्तन होता रहता है। अब आप देखते हैं कि ऐसा भी है, कहा गया है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है, चेंज इन नेचर ऑफ ला, कोई न कोई व्यवस्था का परिवर्तन होता रहता है, उस परिवर्तन का अध्ययन समाजशास्त्र करता है। समाजशास्त्र का नीति शास्त्र से संबंध, समाजशास्त्र का नीति शास्त्र संबंध है कि अब जैसे नीति मोरलिटी है, इथिक्स है, अब इसको समाज में शैक्षणिक रूप से शिक्षा के स्तर का अध्ययन कराता है। नीति शास्त्र क्या करता है, समाज में नैतिक मूल्यों का आदर करता है, नैतिक मूल्यों को चलाने का एक मार्गदर्शन करता है। अब बिना कहावत भी है और लिखा भी है किताबों में भी, बिना नैतिक शिक्षा के शिक्षा समाज में जो है समस्या पैदा करती है। अब इसको कहा जाता है कि विदाउट मोरल एजुकेशन इज ए एजुकेशन क्रिएट प्रॉब्लम बाई अवर सोसाइटी। विदाउट मोरल एजुकेशन एजुकेशन इज क्रिएट प्रॉब्लम बाई अवर सोसाइटी। बिना नैतिक शिक्षा के, बिना सामाजिक शिक्षा के शिक्षा व्यक्ति को समाज में आफत पैदा करा देती है, समाज में बुराई पैदा करा देती है। अब विधि का समाज का बड़ा मधुर संबंध है, विधियाँ कोई भी विधियाँ बनती हैं वो सामाजिक पहलुओं पर, सामाजिक व्यवस्थाओं पर, समाज के संतुलन कायम रखने में, समाज की एक दूसरे की पारस्परिक सोशल सॉलिडरिटी, पारस्परिक निर्भरता को कायम रखने के लिए कोई भी विधि व्यवस्था बनती है। अब उसमें उस विधि व्यवस्था में जो समाज है, मोरलिटी है, नैतिकता है, ये अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। जैसा कि आप देखे हैं
और आपको कई बार बता दिए हम, बिना नैतिक शिक्षा के, नैतिक मोरल वैल्यूज के, बिना नैतिक मूल्यों को शिक्षा का कोई महत्व नहीं होता है। जैसा कि तमाम विद्वानों ने इस बात पर अपने विचार व्यक्त किए हैं, जिन्होंने कहा है कि विदाउट मोरल एजुकेशन, विदाउट मोरल एजुकेशन, एजुकेशन इज ए क्रिएट प्रॉब्लम बाई अवर सोसाइटी। बिना नैतिक शिक्षा के शिक्षा समाज में समस्या पैदा करती है, समाज में आफत पैदा करती है, समाज में बुराई पैदा करती है। तो इस तरह से समाज का नैतिकता का संबंध है, समाज का राजनीति से क्या संबंध है, समाज का समाजशास्त्र का विधि शास्त्र से क्या संबंध, समाजशास्त्र विधि शास्त्र क्या है, विधि शास्त्र आई अपना है, विधि शास्त्र क्या है, विधि शास्त्र में जुरिस्ट, जुरिस्ट मतलब विधि। अब सोशियोलॉजी को सोशियो प्लसलॉजी से बना है, सोशियो का अर्थ है समाज, लॉजी मतलब है ज्ञान, समाज ज्ञान कराने वाला विषय सोशियोलॉजी है। और इधर क्या है, लॉ में, लॉ में है कि जुरिस्प्रूडेंस क्या है, जुरिस्ट मतलब है विधि, प्रूडेंस मतलब है ज्ञान, विधि का ज्ञान कराने वाला विषय को विधि शास्त्र कहते हैं। अर्थात लॉ क्या है, लॉ विधि का ज्ञान हमें कराता है, और समाज क्या करता है कि समाज का हमें ज्ञान कराता है, समाज का ज्ञान विधि व्यवस्था बनती है और समाज के ऊपर लागू होती है, सामाजिक संतुलन पर लागू, सामाजिक व्यवस्था पर लागू होती है। इस तरह से समाज का और विधि का महत्वपूर्ण संबंध है। अब इस टॉपिक में आपको हम बताए थे कि इसका जो है समाज का सामाजिक भूगोल संबंध, इतिहास से संबंध, ला से संबंध, सारी से समस्या और सारी चीज़ें आपको जो है इसी से इस चैप्टर में लिखना है। दूसरा था समाजशास्त्र की प्रकृति, नेचर ऑफ सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र की प्रकृति कैसी है इसको भी आपको जानना था। समाज की पद्धतियाँ, कंसेप्ट जो है, मेथड ऑफ सोशियोलॉजी, अध्ययन करने का मेथड जो है, समाज समाजशास्त्र विषय का अध्ययन करने का जो मेथड है उसको भी आप चर्चा करते हुए हैं। समाज की आधारभूत संरचनाएँ, समाज एंड समुदाय, कम्युनिटी एंड सोसाइटी, कम्युनिटी एंड सोसाइटी बेसिक बेसिक फार्मूला आपको पहले बता दिए थे कि समाज समुदाय का जो अंतर है, समाज किसे कहते हैं, समुदाय किसे कहते हैं, समाज समुदाय का सदस्य लोग जो है अपनी इच्छा से होते हैं लेकिन समाज का सदस्य जो है स्वतः हो जाते हैं, जिसे जिस व्यवस्था में लोग रहते हैं उस समाज का वो सदस्य हो जाते हैं। समुदाय जो है छोटा शब्द है, समाज बहुत विस्तृत शब्द है। समुदाय कुछ व्यक्तियों का एक संगठित समूह है, जबकि समुदाय क्या है, समुदाय कुछ व्यक्तियों का एक निश्चित उद्देश्य, निश्चित व्यवस्था, निश्चित भूभाग के लिए एक समूह है, उसे समुदाय समूह कहते हैं, समुदाय कहते हैं। अब समाज, समाज तो बहुत निश्चित रूप है, समाज में समुदाय में निश्चित उद्देश्य और निश्चित हितों से संबंध रखने वाले व्यक्ति समुदाय के सदस्य होते हैं, लेकिन समाज में तो तमाम लोग रहते हैं, हर जात के, हर धर्म के, हर व्यवस्था के, हर जो है भाषा के, हर कई बोली के, कई उससे तो समुदाय जो है सीमित शब्द है, समाज व्यापक शब्द है। व्यक्ति और समाज की चर्चा हम कल पिछली बार हम आपको बताए थे, व्यक्ति क्या है, समाज क्या है। देखिए मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, सामाजिक प्राणी होना तो समाज में ही रहता है और सामाजिक संतुलन में, सामाजिक संतुलन को बनाए रखने में अपना योगदान देता है। मनुष्य क्या है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और सामाजिक हैसियत सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत तो रहता है। अब इसके बाद सामाजिक समूह हो गया, जातियाँ हम बताए, जात क्या है, जात कस्टम परंपरा, रीति रिवाज, लोकाचार, ये सारी चीज़ें आपको जो हम पिछली कक्षाओं में पर चर्चा आपको कर चुके हैं। अब आपको कल से मैं पुनः जो बचा है उसमें पर चर्चा कर देंगे। समाजशास्त्र आपका लगभग पूरा माना जाएगा विषय। धन्यवाद आपको।